लास्ट डेरिवेटिव पर सम करेंगे, और फर्स्ट फ्रेंजल लास्ट था फ्रेंजल लास्ट जो भी, तो इसमें सॉफ्टवेयर भी आता है ऑब्जेक्टिव भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये फोर्थ वीक एम्ब्रियो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एट द रीजन ऑफ नेक कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर लैटरल से एंटीरियर एस्पेक्ट में आ रहा है, लैटरल से शुरू हो गया एंटीरियर एस्पेक्ट में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा नीचे होते हुए आ रहा है, ऑब्लिकली आ रहा है, एकदम एक प्लेन में नहीं है, नीचे होते हुए, जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। फर्स्ट आर्च, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजनरेट कर जाता है एंड दिस वन इज सिक्स्थ फारेंजियल आर्च, ठीक है। अगर हम लोग इसको ठीक से कहें तो ये फारेंजियल एपरेटस है, दिस इज फारेंजियल एपरेटस, जिसमें कि एक्टोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी, इंडोडर्म भी। ये जो रॉड लाइक बनाए हैं, लाल रंग से बनाए हैं रॉड लाइक, ये बीच में है, इसके एक तरफ एक चादर है और दूसरी तरफ दूसरा चादर है और बीच में रॉड टाइप का है, ठीक है, इस तरीके का है यहाँ पे जो है, ठीक है, नेक रीजन में बीच बीच में ऐसे रॉड टाइप का है आर्च और एक्टोडर्म आगे और इंडोडर्म अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू से दिखाए हैं एक्टोडर्म और ब्लैक से दिखाए हैं इंडोडर्म और रेड में रॉड टाइप का जो है वो मेसोडर्म है, जिसको हम लोग आर्च कहते हैं फारेंजियल आर्च, और एक्टोडर्म को कहते हैं फारेंजियल क्लेफ्ट, मेसोडर्म को फारेंजियल आर्च, इंडोडर्म को फारेंजियल पाउच कैप, कैप कहते हैं ना हम लोग कैप, क्लेफ्ट आर्च पाउच, एक्टोडर्म मेसोडर्म इंडोडर्म, फारेंजियल आर्च से मेसोडर्म है जो कि रॉड के शेप का है, ठीक है। तो अभी हम लोग फारेंजियल आर्च डेरिवेटिव पढ़ेंगे जो कि रॉड टाइप का है, कितने नंबर में है, फर्स्ट हो गया ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये सिक्स्थ फारेंजियल आर्च। इससे क्या क्या बना है, ये बहुत स्पेशल ऑर्गन है एम्ब्रियोनिक प्लेयर का, जिससे बहुत सारा चीज डेवलप हुआ है। सबके पास, सब फारेंजियल आर्च के पास एक एक सनम है, सनम, ठीक है, एस एन ए एम, ठीक है, स्केलेटल कंपोनेंट है, नर्व है, आर्टरी है, मसल्स है, ठीक है, सबसे डेवलप किया है कुछ स्केलेटल कंपोनेंट, नर्व, आर्टरी, मसल, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, समझे। तो पहले हम लोग स्केलेटल कंपोनेंट को देखते हैं, सबका स्केलेटल कंपोनेंट देख लेंगे, फिर नर्व देख लेंगे, फिर आर्टरी, फिर मसल्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से क्या डेवलप किया हुआ है, तो फर्स्ट वाला ऐसे लिपटी ऊपर से ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो सबसे पहले यहाँ पे एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाना है, क्या क्या स्केलेटल कंपोनेंट डेवलप किया है, तो हुआ पहले प्री मैक्सिला, जिसमें इंसाइजर, मैक्सिला का वो पार्ट जिसमें इंसाइजर टीथ लगा होता है उसको प्री मैक्सिला कहते हैं, पहले वो अलग रहता है मैक्सिला से, बाद में यूनाइट हो जाता है, इसलिए उसको अलग बोल कर दिया गया, ठीक है, प्री मैक्सिला, उसके बाद मैक्सिला, ठीक है, उसके बाद जायगोमैटिक स्कल रहता है, देखते ना यहाँ पे जायगोमैटिक आर्च होता है और उसके बाद होता है टेम्पोरल बोन होता है ना, तो उसका स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो बहुत फ्लैट टाइप का होता है ना, स्क्वामस क्या होता है, फ्लैट, फ्लैट टाइप का जो पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का उसको स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट आर्च, फर्स्ट फारेंजियल आर्च, स्केलेटल कंपोनेंट, स्केलेटल कंपोनेंट। तो इसका दो प्रोसेस पहले होता है, ऊपर में हो गया मैक्सिलरी प्रोसेस और नीचे में हो गया मैंडिबुलर प्रोसेस, ये दोनों ही फर्स्ट फारेंजियल आर्च का स्केलेटल कंपोनेंट है, मैक्सिलरी प्रोसेस और मैंडिबुलर प्रोसेस दोनों ही, ठीक है। मैक्सिलरी प्रोसेस फिर किस में डेवलप किया, तो बताया अभी प्री मैक्सिला, फिर मैक्सिला, फिर जायगोमैटिक आर्च, फिर तुम्हारा स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, सब एक दूसरे से अटैच है, देख लो प्री मैक्सिला, फिर मैक्सिला, मैक्सिला में यहाँ जायगोमैटिक प्रोसेस निकला हुआ है, फिर वहीं पे टेम्पोरल बोन का जायगोमैटिक प्रोसेस आ रहा है जो कि मिल के जायगोमैटिक आर्च
सोचते जाओगे ना तो निकलते जाएगा बॉडी कंपोनेंट, है ना। और मैंडिबुलर प्रोसेस, मैंडिबुलर प्रोसेस से क्या डेवलप किया है, तो मैंडिबल है, मैंडिबल का फिर अब अंदर में इनर सरफेस से लिंगुला होता है, टंग लाइक प्रोसेस, उसमें क्या अटैच रहता है, स्टेनो मैंडिबुलर लिगामेंट, है ना। तो फिर हम लोग मैंडिबल हो गया, फिर स्टेनो मैंडिबुलर लिगामेंट हो गया, अब हम लोग स्टेनोइड तक पहुंच चुके हैं। सब ये चेन ही होता है, चेन रेस्ट होता है कि एक पकड़ा रहता है वैसे ही टाइप का है, हा? तो मैंडिबल हो गया, स्टेनो मैंडिबुलर लिगामेंट हो गया। अब स्टेनोइड पे ना एक लिगामेंट और टच मतलब सटा रहता है, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलिगस, टिम्पैनिक कैविटी जो कि मिडिल ईयर कैविटी है उसमें तीन बोन है ना, मैलियस इंटरसेंसेबिलिस, तो मैलियस में एक एंटीरियर लिगामेंट होता है आगे के साइड में, तो उसके एंटीरियर वॉल से अटैच रहता है, कुछ फाइबर जाके स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वहां से फिर स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हो गया एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस, फिर मैलियस और इंकस, इतना चीज डेवलप किया है मैंडिबुलर प्रोसेस से। क्या क्या डेवलप किया, मैंडिबल उसके लिंगुला से जुड़ा होता है, स्टेनो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्टेनो मैंडिबुलर लिगामेंट, फिर स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड वहां पे जाके जुड़ा होता है ना, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस, फिर हो गया मैलियस और इंकस, मैलियस इंकस एक दूसरे से जुड़ जाता है, मतलब एक दूसरे से सब चेन चेन रेस हो रहा है, ठीक है ना, यहां से फिर यहां से। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट आज नहीं तो एक साल का बच्चा है, एक साल का बच्चा तो क्या मम्मी ना खिलाती पिलाती है उसको, तो मम्मी हो गया मैक्सिलरी प्रोसेस, मैंडिबुलर प्रोसेस क्या खाएगा, वो थोड़ी रोटी और चावल दाल चिकन सब खाएगा, क्या खाएगा, उसको जूस पिलाती है, पाम जूस, मैंने ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जैगोमेटिका, एस्क्वामस, पाम जूस, कोकोनट का नहीं होता है, कोकोनट का पानी वैसे पिलाती है उसको, या नहीं तो मौसमी, मौसमी का रस पिला देती है उसको, तो एम एस एस ए एम मौसमी, ऐसे मैंने याद रखने के लिए, एक साल का बच्चा है उसको मम्मी खाना खिला रही है, पाम जूस नहीं पिलाएगी, नहीं तो मौसमी पिलाएगी, और उसका सोच लेना है कि क्या किससे जुटा हुआ है, अपने याद आते जाएगा, आप हो जाएगा। सेकेंड आज अभी हम लोग स्केलेटल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड आज से क्या डेवलप हुआ है, वैसे उसी के अनुसार सोचते जाना है, येलो वाला सेकेंड आर्च है, ये वाला ब्लू वाला से ही दोनों चीज डेवलप किया है, अब येलो वाला से तो उसके नीचे आ जाना है, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, अब इसके नीचे आना है, तो यहाँ पे बोन कौन है, हायोइड बोन है, है ना। तो हायोइड बोन देखो ऐसा है देखने में, हायोइड बोन ये बीच में बड़ी है और ये छोटा है, तो लेसर कॉर्नू है, ये ग्रेटर कॉर्नू है, कॉर्नू मतलब हॉर्न, सिंगल टाइप का नहीं दिखता है, और बच्चा को हमेशा प्रोटेक्टिव रखा जाता है, तो इसलिए हमेशा लेसर वाला जितना भी होता है ना वो अंदर की तरफ रहेगा, बाहर में ग्रेटर कॉर्नू रहता है, तो ये इसका ऊपर वाला भाग, तो क्या हो गया, अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड बोन, ठीक है, वो डेवलप किया है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड एंड लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड बोन, और उसके बाद सेकेंड का इतना ही हो गया, सेकेंड का नहीं अभी इतना नहीं हुआ, यहाँ पे हायोइड हुआ, ठीक है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट, फिर वहां पे लेसर कॉर्नू से जुटा रहता है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, लिगामेंट और बोन इस सबको स्केलेटल कंपोनेंट में जोड़ा गया है जो एक दूसरे से जुटा रहे, तो यहाँ पे हायोइड बोन हुआ, उसके ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड बोन, उसको ले लिए। अब हायोइड से जो अटैच है, हायोइड से हो गया स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, स्टाइलोहायोइड
temporal bone. उसमें था ना स्टेलॉइड प्रोसेस में स्पिनॉइड बोन, इसमें टेम्पोरल बोन है, धीरे धीरे लैटरल चल रहा है. स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ हायर बोन. तो हम लोग पहुंच गए हैं अब स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन तक पहुंच गए हैं. उसके बाद उससे कनेक्टेड नहीं है एक माने दूसरा वाला जो है मैलियस इंकस स्टेप्स. मैलियस इंकस तो हो गया था, अब स्टेप्स बस गया ना, उसको ले लेना है. ठीक है, स्टेप्स इतना स्केलेटल कंपोनेंट जो है डेवलप किया है. तो ये हायर स्टेलॉइड प्रोसेस स्टाइलोहायोइड लिगामेंट ठीक है ना, लेजर कॉर्नो स्टाइलोइड प्रोसेस स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है ना, फिर स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन ठीक है, और स्टेप्स. हायोइड है और तीन एस है. दूसरा साल हुआ है बच्चा का, जब देखो हंसता ही रहता है, अच्छा है बच्चा, रोने वाला बच्चा नहीं है, हाँ 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 हंसते रहता है, हंस रहा है ना. हायोइड हो गया उसका सब ऐसे है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट हो गया है, फिर स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन हो गया, फिर स्टेबल हो गया, हंस रहा है बच्चा, अच्छा वाला बच्चा है. फिर थर्ड फैलेंजियल आर्च, हम लोग स्केलेटल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं. थर्ड फैलेंजियल आर्च, तो बस इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस यही दो लोअर पार्टों पर भी एंग्लेजर कॉर्नो हायर बोन, बस लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायर एंड ग्रेजर कॉर्नो ऑफ हायर बोन एलजी. अब बच्चा टीवी माँ उसको टीवी बैठा के टीवी के सामने रख देती है, एलजी कंपनी का टीवी देख रहा है, अपना काम करती रहती है, थोड़ा सा उसको नहीं बेड से नहीं गिर रहा है, आराम से बैठ के अपना टीवी गाना लगा के देख रहा है. तीन साल का हो गया बच्चा. अब फोर्थ आर्ट का स्केलेटल कंपोनेंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है. तो हायर के बाद यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज या बोन में से कुछ लग गया ना, तो थायरॉइड कार्टिलेज है, हम लोग पढ़े हुए हैं ना, थायरॉइड कार्टिलेज यहाँ रहता है, जिसको यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट रहता है मेन में एडम्स एप्पल करते हैं, तो थायरॉइड कार्टिलेज ठीक है. थायरॉइड कार्टिलेज और लैरिंज का एपिग्लोटिस टर्म में जब पढ़ाते हैं तो एपिग्लोटिस पीछे बताए थे ना, हाँ थायरॉइड कार्टिलेज आगे में है और पीछे में उसके ऊपर में है एपिग्लोटिस ठीक है, टर्म के पीछे है लेकिन थायरॉइड कार्टिलेज के ऊपर है. जैसे ये देखो थायरॉइड कार्टिलेज है, इसका अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे लीफ से एपिग्लोटिस होता है, ये एपिग्लोटिस है, पीछे से देख रहे हैं थायरॉइड कार्टिलेज का, उसका ना जो ये छोटा सा पार्ट होता है लीफ शेप का जो स्टेम टाइप का दिख रहा है वो थायरॉइड से यहाँ चिपका रहता है ठीक है. इस तरह तो एपिग्लोटिस हो गया और थायरॉइड कार्टिलेज हो गया, और यहाँ पे क्रिकॉइड होता है ना, तो वही क्रिकॉइड लैमिना होता है पीछे में, और उसके ऊपर होता है दो ठो बैठा रहता है छोटा छोटा, तो ये होता है कॉर्निकुलेट होता है, ऊपर वाला होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. तो ऊपर ऊपर वाला सब ये ऊपर वाला तो एक राउंड है ना, तो क्या हो गया एपिग्लोटिस थायरॉइड कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. दूसरा साल में बच्चा हंस रहा था, तीसरा साल में उसको टीवी देखने के लिए एलजी कंपनी का टीवी देख रहा है, चौथा साल में टेक्नीशियन बन गया बच्चा, जब देखो कुछ तोड़ रहा है कुछ फोड़ रहा है, इधर से वो खा रहा है, खिलौना पकड़ रहा है, संभालना मुश्किल हो जाता है बच्चा, चार साल का हो गया टेक्नीशियन टाइप का करने लगता है ना. तो देख रही हो कि थायराइड का एपिग्लोटिस और उसी के पीछे
आगे में रिंग की तरह है और पीछे फैला हुआ रहता है, क्रिकॉइड आर्च कहते हैं, और पीछे में फैला हुआ जो पार्ट होता है क्रिकॉइड लैमिना कहते हैं। ये थायराइड कार्टिलेज हो गया, थायराइड कार्टिलेज आगे में होता है, क्रिकॉइड का आर्च होता है रिंग टाइप का, और यही पीछे में जाके देखेंगे तो ये डॉट से दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रिकॉइड लैमिना। उसके ऊपर होता है यहाँ पे एरिथ्रोइड होता है, फिर कॉर्निकुलेट होता है, फिर क्यूनिफॉर्म होता है, सब एक के ऊपर एक बैठा हुआ है पीछे में, एरिथ्रोइड कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म सब याद करना होता है। लैरिंजियल कार्टिलेज पूछा जाता है, लैरिंजियल कार्टिलेज, लैरिंज में कौन कौन कार्टिलेज है ना, तो ये सब जानना होता है, थायराइड होता है, थायराइड होता है। तो ये ऊपर ऊपर में जितना हो गया ये थायराइड हो गया, और यहीं पे आगे में एपिग्लोटिस रहता है ना यहाँ पे, तो एपिग्लोटिस हो गया, ये ऊपर वाला हो गया क्यूनिफॉर्म टेक, क्योंकि धीरे धीरे वो ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो सबसे ऊपर वाला। तो फोर्थ फैरेंजियल आर्च हो गया, अब आ जाते हैं सिक्स्थ फैरेंजियल आर्च में, फिर तो डिजनरेट कर गया है, तो सिक्स के लिए कौन बचा, यहाँ पे क्रिकॉइड है, फिर पीछे में देखने एरिथ्रोइड है और कॉर्निकुलेट है। बच्चा का छह साल हो गया, जब देखो काय 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 करते रहता है, कार्प क्रिकॉइड हो गया, एरिथ्रोइड हो गया, कॉर्निकुलेट हो गया, तो ये सबसे कंफ्यूज होगा, जैसे जैसे मैं याद करना हो कर लू, है ना। तो इसके लेटर कंपोनेंट खत्म हो गया, सनम एज हो गया नर्व, अब हम लोग सबका नर्व जान लेंगे कि कौन कौन सा है। नर्व हमेशा ना ये आर्च जो है ना रॉड टाइप का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नर्व में है वो ऊपर में ऐसे रन करता है, ऊपर में यहाँ पे ऊपर में, इसके ऊपर में यहाँ पे आर्च में ऐसे ऊपर में रन कर रहा है, सब आर्च में ऊपर में। तो देखो ये ऊपर में रन कर रहा है और यहाँ जो पाउच वाला गड्ढा बना है गड्ढा के नीचे है नर्व। अब प्री ट्रिमैटिक नर्व पोस्ट ट्रिमैटिक नर्व के बारे में जानो, ट्रिमैटिक मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा तो पाउच के कारण यहाँ ब्लैड से गड्ढा बना है ना, तो हर एक कॉर्ड में जो नर्व है वो ऊपर रन कर रहा है लेकिन गड्ढा के नीचे है, तो इसको हम लोग पोस्ट ट्रिमैटिक नर्व कहते हैं। लेकिन पहला वाला आर्च में जो होता है ना वो दो नर्व होता है, उसमें दो नर्व, एक तो गड्ढा के पहले है और एक गड्ढा के बाद है। प्री ट्रिमैटिक भी होता है, पोस्ट ट्रिमैटिक नर्व भी होता है, दो नर्व होता है फर्स्ट फैरेंजियल आर्च को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सबको एक एक नर्व दिया गया है, पहला वाला क्लास में फर्स्ट आया है तो उसको दो नर्व, ठीक है। तो फर्स्ट फैरेंजियल आर्च, फर्स्ट फैरेंजियल आर्च का प्री ट्रिमैटिक हो गया और पोस्ट ट्रिमैटिक हो गया। प्री ट्रिमैटिक में हो गया मैंडिबुलर नर्व, पोस्ट ट्रिमैटिक में हो गया कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। फिर सेकेंड फैरेंजियल आर्च आ जाते हैं, सेकेंड वाले का हम लोग जान रहे हैं, सेकेंड फैरेंजियल आर्च फेशियल मसल का, मसल का जब पड़े तक तो फेशियल नर्व सप्लाई कर रहा है उसको, तो सेकेंड वाला का हो गया फेशियल नर्व। थर्ड वाले का हो गया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, नाइन्थ क्रैनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और फोर्थ और सिक्स दोनों ही का होता है वैगस नर्व, वैगस नर्व। लेकिन फोर्थ वाले का होता है ऊपर में, हम तो पढ़े थे ना जब पढ़ रहे थे थायराइड ग्लैंड, तो ऊपर में आ रहा था सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और नीचे से इंफीरियर लैरिंजियल नर्व, लेकिन इंफीरियर वाला नीचे जाके फिर ऊपर आता है, इसलिए उसका नाम और एक है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, है ना। तो फोर्थ वाले का हो गया सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और सिक्स्थ वाले का हो गया रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। नर्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैन कैन फेस ग्रॉस वायलेंस, है ना, कहा जाता है कि मैन स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मैन कैन फेस ग्रॉस वायलेंस, मैन कैन फेस
मास्टिकेशन, मैंडिबुलर नर्व हम लोग यहाँ पे नहीं किसी मैंडिबुलर नर्व का, तो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन तो कौन कौन है बोलो, लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस मास्टिकर, है ना। तो ये सारा मसल्स ऑफ मास्टिकेशन हो गया, एंड टू मसल फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ माउथ, बताओ कौन, एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक एंड माइलोहायल, है ना। और टू टेंसर मसल है, मैं टेंशन दूंगी टेंशन दूंगी, कौन, टेंसर पैलेटाइल एंड टेंसर टिम्पैनी, है ना। तो ये फर्स्ट फैरिंजियल आर्ट से डिराइव मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। नर्व को भी याद रखोगी ना, मैंडिबुलर नर्व, तो उसको वो कौन सप्लाई, किसको सप्लाई कर रहा है, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को, और मैंडिबुलर नर्व का ही ध्यान दोगी तो उसमें दो मसल्स फ्लोर ऑफ माउथ को, दो टेंसर मसल को सप्लाई कर रहा है, तो याद हो जाएगा। फिर सेकेंड वाला है फेशियल नर्व, फेशियल नर्व किसको सप्लाई कर रहा है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई कर रहा है, जितना मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है वो सब हो गया, एंड टू एक्स्ट्रा मसल में हो गया फ्लोर ऑफ माउथ बनाना है, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिक एंड स्टाइलोहायल, यहाँ फेशियल नर्व निकल रहा था स्टाइलोमास्टर फोरामेन से तो सप्लाई कर रहा था ना, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिक और स्टाइलोहायल को, तो फेशियल नर्व को याद करोगे सारा मसल आ जाएगा सामने। फिर थर्ड में है नर्व, कौन है, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, उसका एक ही मसल को सप्लाई करता है, बहुत अच्छा है, स्टाइलोफैरिंजियस, और यही हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वाइवा सब्जेक्ट के लिए, कि बताइए कौन सा मसल है, सिर्फ एक मसल है जिसको, जो थर्ड फैरिंजियल आर्ट से डिराइव है, या नहीं तो उसको ग्लोसोफैरिंजियल नर्व सप्लाई कर रहा है, तो आपको बोलना होगा स्टाइलोफैरिंजियस मसल, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ फैरिंजियल आर्ट से कौन सा मसल डिराइव हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे थायराइड है और यहाँ पे क्रिकोइड है ना, तो क्रिको थायराइड, यहाँ पे एक मसल होता है क्रिको थायराइड मसल, जो क्रिकोइड और थायराइड को जोड़ रहा है दोनों कार्टिलेज को, क्रिको थायराइड मसल एक मसल सॉफ्ट पैलेट का है, जिसको जो उसको उठाता है, लिवेटर वेली पैलेट का है, और फैरिंग्स का मसल है, ना तीनों कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, है ना। सीएलसी से याद रख सकते हैं हम लोग, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, क्या हो गया, क्रिको थायराइड मसल, इसका ये इसका कौन सा नर्व है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है ना। तो देखिए हम बनाए थे, याद होगा ऐसे करके जा रहा था, है ना, उतना याद नहीं होगा, तो क्रिको थायराइड मसल है, लिवेटर वेली पैलेटाइल, जो सब पैलेट का मसल है उसको उठाता है, लिवेटर, लिवेटर वेली पैलेटाइल, और एक सी से हो गया कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ द फैरिंग्स, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, सीएलसी। अब आ जाते हैं सिक्स फैरिंजियल आर्ट, एकदम सब चीज खत्म हो गया है, अब सिर्फ एक बचा हुआ है, सिक्स फैरिंजियल आर्ट से कौन मसल डेवलप किया है, तो सब में एरिथ्रोइड लगा हुआ है, सिक्स फैरिंजियल आर्ट में हम लोग उधर भी देखे थे, है ना, कि बच्चा जो है मतलब टेक्निशियन है, उसके बाद काय काय करने लगता है कार्ड की तरह, तो ए से एरिथ्रोइड होता है ना, इसी तरह मसल में सब में ए लगा हुआ है, पोस्टीरियर क्रिकोएड्रॉइड, लैटरल क्रिकोएड्रॉइड, थायरोएरिथ्रोइड, हां, और ट्रांसवर्स क्रिकोएरिथ्रोइड, ऑब्लिक क्रिकोएरिथ्रोइड, सब लैरिंजियल मसल्स है, लैरिंज का मसल है। अभी देख लिए कि यहाँ पे कभी मिस्टर नीतीश कुमार कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो पलटू तू, हां, तो पी एल टी पलटू टू है, तो पी से हो गया पोस्टीरियर क्रिकोएड्रॉइड, लैटरल क्रिकोएड्रॉइड, थायरोएड्रॉइड, ट्रांसवर्स एरिथ्रोइड एंड ऑब्लिक क्रिकोएड्रॉइड, ठीक है ना, सब में क्रिकोएड्रॉइड जुटा हुआ है, ट्रांसवर्स है, कोई ऑब्लिक है, कोई लैटरल है, कोई पोस्टीरियर है, एक में थायरो लगा हुआ, थायरोएरिथ्रोइड,
हमारा शेष फैरिंजियल है, मसल हो गया। तो सरम कंप्लीट हो गया, ठीक।